बोलो सच्चे दरबार की जय। बोल सियापत राम चंद्र की जय। राजा के उपरोहित हर ले गयऊ बहोर, रामा हर ले गयऊ बहोर। ले राखे से गिर खो महो, माया कर मत भोर। सियापत राम चंद्र बद जय सनम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे उसने पहाड़ की खो में ला रखा। तो आप विरचे ओ परोहित रूपा, पर उजाए ते सेज अनुपा। जाग उन पनवे बिहाना, देख भवन अति अचर जुमाना। वह आप रोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मोने माए मान माओ अनुमानी, उठे गवाहे जे ही जानन रानी। कानन गयो बाज चढ़ते पुर नर नारे न जान के। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। तो गए जामा जो गभूपते आवा, घर घर उत सब बाज बदावा। अपरोहित हैं देखे सब राजा, चकित विलोक सो मेरे सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधा बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। जोग सामन पाहे गए तेन बीनी, कपटी मोने पद रहे मतलीनी। समय जाने ओ परोहित आवा, पहे मते सब कहे समुजावा। राजा को तीन दिन युग के समान भी थे। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझा कर कह दिए। तो नपहर से पहचान गुरु ब्रह्मवसरान चेत, रामा ब्रह्मवसरान चेत। बरे तुरत सत सहस वर वे प्रकुटुंब समेत, सियावत राम चंद्र बद जय सनम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्म बस उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या काल के तू राक्षस। उसने तुरंत 100,000 उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। तो ओ परोहित जे बनार बनाई, छरस चारे वेद जैसे श्रुति गाई। माया माया ते की ने रसोई, व्यंजन बहु गणेश कहे न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा वेदों में वर्णन है बनाए।
उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। तो विविध मृगान कर आम सुरांदा प्रमा सुखल भोजन कछु सब वे प्रभुलाए पद पकारे सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया, चरण धोकर आदर सहित बिठाया। तो पारोसा न जावा ही लाग मही पाला मैं आकाशवाणी ते काला बेप्रबंध ओठे ओठे ग्रह जाऊ है बड़ी हान अन्न जन खाऊ। जो ही राजा परोसने लगा उसी काल केतु कृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणो उठ उठकर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। तो भाया ओ रसोई भूजो रमासु सब द्विज ओठे माने विश्वासु भोपा बिकाला माते मोहलानी भावी वसन आव मुखवानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है, आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी, होनहार बस उसके मुंह से एक बात भी न निकली। तब बोले वे प्रसको बतावा नाय कछुकी न विचार रामा नाय कछुकी न विचार जाय निजाचरों न पमूण सहित परिवार सियावत रामचंद्र वद जय जनम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। तब जाकर क्रोध सहित बोल उठे ब्राह्मण, उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। तो छात्र बांधो ते बे प्रभुलाई गाले लिए सहित समुदाई ईश्वर राखा धर्म हमारा जय हंसते समेत परिवारा। वे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। तो जलदाता न रहे कोल को न पशु ने श्राप विकल अति त्रासा वर गिरा का। एक वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। साफ सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, बेप्रहु श्राप विचारे न दीना नहि अपराध भूप कछु कीना चकित वे प्रसव सोने न भवानी भूप गयाऊं जह भोजन पानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए।
तो राजा वहां गया जहां भोजन बना था। तहाना असाना नाही वे प्रसुआरा मन सोच अपारा सब प्रसांग माहे सोरा न सुनाई त्रसित परे वनीय कुलाई। देखा तो वहां भोजन था न रसोईया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तबोपत भावी मिटे नए जदप न दूसन तोर रामा जदप न दूसन तो ये अन्यथा हो नए वे प्रसापत गोर जियावत राम चंद्रवत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हे राजन यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का साप बहुत ही भयानक होता है या किसी तरह भी टाले टल नहीं सकता। तो आशा काय सब मै देव सिदाए समाचार पुर लोगन पाए सोचे दूसन देव दे बिरचत हंस काग की अजे। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे। जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था सो राक्षस बना दिया। तो उपर होता है बाबा न पहुंचाई असुर ताप जाए खबर जनाई ते कल जहाता पात्र पठाए सज सज से न भूप सबदाए। तो पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे जिससे सब वैरी राजा सेना सजा सजा कर चढ़ दौड़े। तो घेरे नगर निशान बजाई विविध भांति ने तो लड़ाई जूझे सकल सुभट कल करनी बंदूक समेत पर उनप धरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा सूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। तसात्य के तो कुल को नहीं वाचा वे प्रताप के में होए असाचा रिपुजिते सवन पनगर वसाई निज पुर गवने जय जसुभाई। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का श्राप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुन जाए सब ओए विधाता वाम रामा ओए विधाता वाम दूर मेरु सम जनक जम जाता है ब्याल सम दाम सियावत राम चंद्र बद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। याज्ञवल्क जी कहते हैं कि भरद्वाज सुनो विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। तो काल पाए मोने सोनो सोई राजा भयउन साचर सहित समाजा दस शेरता हे बीस भोज दंडा रावण नाम वीर बरे वंडा। तो हे मुनि सुनो समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके दस सिर और बीस भुजाएं थी और वो बड़ा ही प्रचंड सूरवीर था।
तबोपा अनोजा आरे मदन नामा भयं सुकुंभकरण बलरामा। सचिव जो धरम रुचि जाजू भयउ मात्र बांदोल भूताजू। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था वह बलका धाम कुंभकर्ण हुआ और उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्म रुचि था वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। तो नाम विभीषण जे जग जाना विष्णु भगत वे ज्ञान निदाना रहे जे सोता सेवक नृप के रे भय निसाचर गोर अनेरे। उसका नाम विभीषण नाम था जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। तो काम रूप खल जेन से आने का कुटिल भयंकर विगत विवेका कृपा रहे हिंसक सब पापी वरन न जाए विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट कुटिल भयंकर विवेक रहित निर्दयी हिंसक पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। तो मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय सियाराम लिख के बोलो जय सियाराम।